हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज, आप देख रहे हैं टेक्निकल मनोज टीवी। आज के इस वीडियो में आपको बिहार में ट्रेनों के ठहराव को लेकर हो रहे आंदोलन, वो 31 मई को होने वाले स्टेशन मास्टरों के आंदोलन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप भी इन दिनों में ट्रेन से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके काम की साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के बढ़िया स्टेशन में हो रहे आंदोलन से कौन कौन सी ट्रेनें प्रभावित हुई है, 31 मई को क्या सभी ट्रेनें बंद हो जाएंगी, क्या कुछ इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने जा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लास्ट देखिए, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के बड़हिया रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारियों ने स्टेशन पर 10 ट्रेनों के ठहराव को मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है। दरअसल कोरोना काल से पहले इस स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज हुआ करता था, लेकिन कोरोना काल में बड़हिया स्टेशन पर एक साथ कई ट्रेनों के स्टॉपेज को खत्म कर दिया गया, जिससे वहाँ के लोगों को होने वाले परेशानी को रेलवे अधिकारियों को बताया गया, लेकिन उनके मांगों को नहीं माना गया, जिसकी वजह से आंदोलनकारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस होने वाले आंदोलन से कई ट्रेनें प्रभावित हो रही है, जिनमें भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस समेत कुल 29 ट्रेनों को बदले रूट से चलाया जा रहा है। वो 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। इन सभी ट्रेनों की लिस्ट IRCTC की वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, न्यूज में कहा जा रहा है कि 31 मई को पूरे भारत में ट्रेनें बंद हो जाएंगी, क्योंकि रेलवे के सभी स्टेशन मास्टरों ने सामूहिक अवकाश करने का निर्णय किया है। ये सभी स्टेशन मास्टर रेलवे में खाली रहने वाले पदों की वजह से उन्हें 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ रही है। इस समस्या से स्टेशन मास्टरों ने रेलवे बोर्ड को भी अवगत कराया, लेकिन उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, जिससे ये कर्मचारी अब आंदोलन करने को मजबूर हैं। इसके अलावा कई और मांगे भी हैं जिसको लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन दिनों ट्रेनों से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो इन सभी ट्रेनों की लिस्ट IRCTC वेबसाइट पर चेक करके जाएं, ताकि यात्रा में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। रेलवे की सभी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।